आज सुबह एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर ने इसकी घोषणा की है। हालांकि ईरान की सरकार ने अब तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन देश में मेडिकल असिस्टेंस देने वाली रेड क्रिसेंट ने कहा है कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश किया है, जो हादसा हुआ है, उसमें किसी के भी बचे होने की संभावना तो नहीं है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हो गई है। इससे पहले उनके हेलीकॉप्टर का जो मलबा है वो अजरबैजान की पहाड़ियों में मिला था। उसमें राष्ट्रपति रईसी के साथ 9 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे अजरबैजान के पास से लापता हो गया था। रात भर इसकी तलाशी की जा रही थी, लेकिन इराक के इलाके में भारी बारिश हो रही थी, कोहरा था, ठंड थी, इस वजह से सर्चिंग में भी दिक्कतें सामने आ रही थी। और बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी इसमें गायब हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रपति के साथ ही विदेश मंत्री के साथ 9 लोग सवार थे और उन सभी 9 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो राष्ट्रपति हैं वो एक बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे। वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे, बताया जा रहा है कि 19 मई को बांध के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और फिर जब वापस लौट रहे थे तभी रविवार को रात में ही ये हादसा जो है वो हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि हिजबुल्लाह ग्रुप के नेता हसन नसरल्लाह के बेटे हादी नसरल्लाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक भी सबूत मिल जाता है कि इस घटना के पीछे इसराइल का हाथ है तो हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसराइल पश्चिमी फंडिंग और समर्थन से तृतीय विश्व युद्ध को भड़काने का काम कर रहा है। आपको पता है कि बीते कुछ दिनों से ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष चल रहे हैं। 2024 में इसराइल ईरान मतभेद, दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहे थे वो युद्ध में कहीं ना कहीं बदलता चला जा रहा है। 1 अप्रैल को ही इसराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास जो था वहां पर बमबारी की थी, जिसमें एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी की मौत हो गई थी। और उसके जवाब में ईरान ने भी जो है हमला इसराइल पर किया था, जिसके बाद ईरान ने इसराइल पर को लेकर एक कड़ा रुख अपना लिया है, जिसके बाद युद्ध की स्थिति बनती चली जा रही है। और अब जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई है तो तकरार आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसराइल और ईरान के बीच में एक संघर्ष जो है बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है, वो संघर्ष आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि पूरा इतिहास है कि 1982 से ही ईरान और इसराइल के बीच मतभेद देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे ये मतभेद जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, संघर्ष में तब्दील हुआ और अब कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति भी बनती चली जा रही है। और ऐसे में जो हिजबुल्लाह ग्रुप के नेता हैं उनके बेटे का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में एक बड़ा बयान है और ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।